दोस्तों, चांद पर जीत हासिल करने के बाद भारत का लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर इस वक्त अपनी चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त वह चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद हैं, वहाँ बहुत ही अंधेरी रात है और वहाँ इतना घना अंधेरा छाया हुआ है कि अगर आप विक्रम के बराबर में खड़े हैं तो भी आप उसे देख नहीं पाएंगे। साथ ही वहाँ तापमान भी धीरे धीरे घटते हुए -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। ऐसे में लैंडर और रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स का सौर ऊर्जा के बिना काम करना नामुमकिन है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इन्हें कुछ समय के लिए आराम की नींद सुला दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर रात और दिन होते हैं और ऐसे में 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान पर पहली सूरज की किरण पड़ेगी, यानी दक्षिण ध्रुव की अंधेरी रात खत्म हो जाएगी और फिर सवेरा हो जाएगा। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक ये उम्मीद लगा रहे हैं कि 22 सितंबर को भारत के ये दो वीर नींद से जागेंगे और अपने अपने सेकेंड रिसर्च मिशन की शुरुआत करेंगे। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान चांद की जमा देने वाली इस ठंड को सह पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस बीच जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को मॉनिटर कर रहे थे, तभी सोए हुए विक्रम ने कमांड सेंटर को एक ऐसा संदेश भेजा जिसे देखकर वैज्ञानिकों के होश ही उड़ गए और आधी रात को पूरी स्पेस एजेंसी हरकत में आ गई। इसके ठीक बाद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भी चांद पर खड़े विक्रम लैंडर के साथ एक ऐसी रहस्यमयी चीज की फोटो भेजी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आखिर विक्रम ने इसरो को ऐसा कौन सा मैसेज भेजा जिसे देखकर चांद को सिर्फ एक बर्फ का गोला कहने वाले नासा, रूस और चीन भी हिल गए और चांद की दो आंखों ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर ऐसा क्या देखा, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में इसरो ने कई एडवांस्ड सेंसर्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को सेट किया है जो कि इंसान से भी ज्यादा चतुर है। अपने इन्हीं सेंसर्स के जरिए ये पल पल चांद पर नजर बनाए रखता है और जरा सी भी हलचल महसूस होते ही उसे रिकॉर्ड कर डेटा तुरंत इसरो के कमांड सेंटर को भेज देता है, जहां बैठे कुशल वैज्ञानिक इस डेटा की जांच में लग जाते हैं। इस सिस्टम के जरिए ही प्रज्ञान ने चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और सोडियम समेत कई कीमती खनिजों को खोजा है। वहीं चांद से जुड़े इस भ्रम को भी गलत साबित किया है कि चांद सिर्फ एक ठंडा गोला है। दरअसल विक्रम लैंडर में मून सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम का एक यंत्र लगा हुआ है जिसने सोने से पहले चांद की सतह में अपनी ड्रिल चलाई थी और इक्विपमेंट को अंदर भेजकर इस बात का खुलासा किया था कि दिन के वक्त चांद की सतह इतनी गर्म होती है कि अगर इंसान बिना चप्पल के उस पर पैर रख दे तो उसका पैर जल जाएगा, क्योंकि उस वक्त तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन वहीं ये सतह सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी रहती है और चांद का ये टेम्परेचर सिस्टम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। जो चांद को देखकर ठंडा गोला कहते थे, वो नासा भी आज चौंक चुका है। इस ऐतिहासिक खोज के बाद जहां एक तरफ प्रज्ञान रोवर अपना काम खत्म करके सो चुका था, वहीं लैंडर विक्रम को सुलाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने देखा कि इस बार लैंडर में फ्यूल बचा हुआ है, बैटरी भी फुल है। 22 सितंबर के दिन ये फिर से उठ पाएगा या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। तो क्यों ना हम इसे चांद की थोड़ी और सैर करवाएं, जिससे हमें ये पता चल सके कि क्या विक्रम हमारे फ्यूचर चंद्रयान मून मिशन के लिए योग्य है या नहीं। इसी सोच के साथ वैज्ञानिकों ने तुरंत विक्रम के इंजन चालू कर दिए और देखते ही देखते विक्रम चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उड़ गया, जिसके बाद इसके एल्गोरिथम ने सेंसर्स के जरिए अपने लिए दूसरी लैंडिंग साइट खोजी। करीब 40 सेंटीमीटर दूर जाकर उसने सतह पर दूसरी बार अपने कदम रखे। हॉक एक्सपेरिमेंट नामक इस कोशिश से इसरो के वैज्ञानिक ये समझ गए कि एक बार लैंडिंग करने के बाद लैंडर विक्रम फिर से लिफ्ट ऑफ करने में सक्षम है और अब भविष्य में सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए मून मिशन में इसरो विक्रम को ही भेजने वाला है। खैर दोस्तों, इस जीत के बाद जहां इसरो में खुशी का माहौल था, वहीं नासा, रूस और चीन में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि रूस तो पहले से ही चंद्रयान 3 से आगे निकलने की कोशिश में लूना 25 को क्रैश करवा चुका था, जबकि नासा और चीन ने इतने मून मिशंस के बावजूद इसरो जितनी डेटा हासिल नहीं की। हालांकि अब वो पल आ चुका है जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को गहरी नींद में सुला दें, जिसके लिए वो विक्रम के उपकरणों को बंद करने में लग गए। लेकिन अचानक विक्रम के सेंसर्स को अपने आसपास हलचल महसूस हुई। विक्रम के एआई रोबोट ने एक झटका महसूस किया, जिसका डेटा भेजते हुए विक्रम ने इसरो को संदेश भेजा कि यहाँ ऐसा कुछ तो हो रहा है
जिससे मेरे पैर हिल रहे हैं और मैंने एक झटका महसूस किया है। साथ ही उसने अपने एल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी उपकरण को भी काम पर लगा दिया। यहाँ इसरो के वैज्ञानिक भी एल्सा से आई डेटा का सहारा लेकर इस खोज में लग गए कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हो रहा है, कहीं कोई एलियन आकर विक्रम से छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या फिर वो कहीं मून क्वेक तो नहीं जिसके कहर के बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। दरअसल पृथ्वी की सरफेस पर अर्थक्वेक आता है, ठीक उसी तरह चांद की सतह पर आने वाले भूकंप को मून क्वेक कहते हैं, लेकिन ये भूकंप पृथ्वी जैसे नहीं होते क्योंकि जहाँ तक पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनटों के लिए भूकंप आते हैं, वहीं चांद पर आधे घंटे से पौने घंटे तक समय समय के अंतराल पर भूकंप के झटके आते रहते हैं। हालांकि इनकी अवधि इतनी ज्यादा क्यों है, ये बात आज भी रहस्यमय बनी हुई है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर कुल चार कारणों की वजह से भूकंप आते हैं। पहला, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से भूकंप आना। दूसरा, बड़े बड़े उल्का पिंडों की बारिश की वजह से चांद की खोखली धरती पर कंपन पैदा होना। तीसरा है, दिन खत्म होने के दौरान ठंड की वजह से धरती सिकुड़ने और दिन की शुरुआत होने के दौरान सूरज की किरणों की वजह से धरती के एक्सपेंड होने की वजह से भूकंप आना। और चौथा है, सतह से 700 किलोमीटर की गहराई में हो रही हलचल की वजह से डीप मून क्वेक आना। हालांकि विक्रम के संदेश के बाद इसरो हरकत में आ गई और वैज्ञानिक इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि विक्रम ने चांद पर ऐसी अजीब सी हलचल क्यों महसूस की। लैंडर द्वारा रिकॉर्ड किया गया कंपन प्राकृतिक घटना थी या फिर एलियंस ने विक्रम के साथ कोई छेड़खानी की है। हालांकि इस बारे में ज्यादातर डाटा तभी मिल पाएगा जब 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान फिर से नींद से जागेंगे। दोस्तों, इसी बीच जैसे नासा के अपोलो 11 मिशन के सच होने को लेकर सवाल उठे थे, वैसे ही कुछ लोग चंद्रयान 3 पर सवाल उठा रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए अब इसरो ने पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कुछ ऐसा शेयर किया जिसे देखकर भारत के खिलाफ बोलने वाले वैज्ञानिकों की बोलती बंद हो गई। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने डुअल फ्रिक्वेंसी की मदद से पिछले 4 सालों से चांद पर नजर टिकाए हुए है और विक्रम लैंडर की लैंडिंग के बाद से दिन में जब चांद की कक्षा में वह घूम रहा है। ऑर्बिटर जब दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचा तो सारे उपकरण ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को सपोर्ट किया, जिसे आप इस चित्र में पीले बिंदु के रूप में देख सकते हैं। ये उपकरण 1 मीटर पिक्सल के जितना चांद की बारीकी से नजर रखता है। आपको बता दें कि यह मैपिंग करता है 1 मीटर के पिक्सल जितनी क्लैरिटी के साथ। जगह की भी जूम्ड तस्वीर साझा की है जिसमें विक्रम दिख रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद है, लेकिन उनकी बैटरीज फुल चार्ज है और उनके रिसीवर्स को भी ऑन रखा गया है ताकि सूरज की रोशनी पड़ते ही ये जाग उठे और सीधा इसरो से संपर्क करें, जिसके बाद इन्हें फिर से ऑन करके काम पर लगाया जाएगा। इसरो ने आगे के फ्यूचर के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सोच रखे हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हिलने वाली है। इसरो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।